आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ग्रीस से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में, जो कि मिराज 2000 फाइटर जेट्स को लेकर के है। हम सब जानते हैं कि ग्रीस इस समय जो पुराने मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनको रिटायर करने का प्लान कर चुका है, क्योंकि वो अपनी वायुसेना को काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज करने का जो एफर्ट है उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। और आपको बताते चलें, ग्रीस ने हाल ही में राफेल एयरक्राफ्ट और F-35 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, जिसके बाद जो हेलेनिक एयरफोर्स है इसका जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है ये फलीभूत होता नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि उनके पास फ्रेंच मेड मिराज 2000-5 जेट्स हैं और अब वो उनको अपने फ्लीट से रिटायर करना चाहते हैं और इसके लिए एक पोटेंशियल कस्टमर की तलाश में है, तो इसी बीच ग्रीस और भारत को लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि जनरल डिमेट्रिस होपिस, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ ग्रीस हैं, उन्होंने इसी महीने भारत का दौरा किया है। और इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि ग्रीस ने मिराज 2000 फाइटर जेट्स का एक अट्रैक्टिव ऑफर भारत के समक्ष रखा है। ग्रीस ने इन एयरक्राफ्ट को वर्ष 2000 में खरीदा था, उस समय 15 की संख्या में मिराज 2000-5 खरीदे गए थे डसॉल्ट एविएशन से। इसमें से 5 की संख्या में ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में थे, यानी मिराज 2000-5 BG ट्रेनर्स थे, और 10 की संख्या में मिराज 2000-5 EG फाइटर्स एयरक्राफ्ट थे, जो कि ग्रीस के लिए लिए गए थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विस दी है। अब यहाँ पर जो ऑफर्ड मिराज 2000-5 है, इनको लेकर के ये दावा किया जाता है कि ये काफ़ी यंग एज के हैं, यानी कि ये 25 साल से भी कम है और इनके एयर फ्रेम में अभी तकरीबन 10 से 15 वर्षों की जो ऑपरेशनल लाइफ है ये बची हुई है। यानी अगर भारत इनको ख़रीदता है तो भारत इनको ऑपरेशनल रोल में भी इस्तेमाल कर सकता है और ये अपग्रेड को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से वर्दी है, यानी इसमें हमें कोई एडिशनल मेजर मॉडिफिकेशन करनी नहीं पड़ेगी, ये अपग्रेड्स को वहीं में कंपैटिबिलिटी शो करते हैं। सबसे खास बात ये है कि जो मिराज 2000 है ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय वायुसेना तकरीबन 50 की संख्या में मिराज 2000-5 फाइटर्स को ऑपरेट करती है और इन्होंने जो मिराज 2000 ट्रेनर्स हैं इनको पायलट ट्रेनिंग के लिए खरीदने के लिए इंटरेस्ट भी पहले दिखाया था, लेकिन उस समय ग्रीस के साथ ये बातें आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब ग्रीस एक अच्छे कॉस्ट में ये जो एयरक्राफ्ट है भारत को ऑफर कर सकता है। हालांकि डिटेल्स अभी भी अनडिस्क्लोज हैं कि क्या वाकई भारतीय वायुसेना इन जेट्स को खरीदेगी या नहीं, लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि अगर ये एक उचित रेट में मिले तो फिर भारत के लिए ये एक सेंसिबल डिसीजन होगा। हालांकि आपको बताते चले कि मिराज 2000 भारत के साथ सिर्फ 2035 तक ही रहेंगे, इसलिए अभी ये अनक्लियर है कि भारत इसको खरीदेगा या नहीं, क्योंकि तेजस मार्क 2 वो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। हालांकि भारत में ही मिराज 2000 को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं ये इनिशिएट किए गए थे। आपको बताते चलें कि हाल ही में फरवरी में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर मिराज 2000 को लेकर के ये दावा किया गया था कि भारत ने जो अपग्रेड प्रोग्राम इनिशिएट किया था वो काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद इस वर्ष के अंत तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा और भारतीय वायुसेना के सभी मिराज 2000 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर लिया जाएगा। लेकिन आपको हम बताते चलें कि ये जो डील फाइनलाइज की गई थी ये वर्ष 2011 में फाइनलाइज करी गई थी, जो कि 2.5 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट है डसॉल्ट एविएशन के साथ, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना 51 की संख्या में अपने मिराज 2000 फाइटर्स की जो फ्लीट है इनको अपग्रेड करने वाली थी। इसके अलावा एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट MBDA के साथ भी साइन किया गया था, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन के जो वेपन सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन की बात की गई थी, यानी कि भारत ने मिराज 2000 का जो ओवरऑल कायाकल्प है ये करने का प्रयास किया था। अपग्रेड की बात करें तो इस अपग्रेड के अंतर्गत मिराज 2000 की जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ हैं इनको एनहांस करना था, जिसमें एक नया रेडार, नए एवियोनिक्स, नए कम्युनिकेशन सिस्टम और भी दूसरी चीज़ें थी। वहीं इंजन को भी ट्यून करना था, इंजन को भी रिपेयर करना था, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा था और ये माना गया था कि 2021 तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन 2024 तक भी अभी ये कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है कि इनके अपग्रेड पूरे हुए हैं या नहीं। हालांकि चैलेंजेस और डिलेज की बात करें तो इनका और मिराज 2000 का काफ़ी घना संबंध रहा है, क्योंकि पहली चीज़ें थी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। जी हाँ, नए सिस्टम को इंटीग्रेट करना इस एयरक्राफ्ट में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, लेकिन इसकी शुरुआत की गई और आगे चल के ये कार्य आसान होते रहे। दूसरा था कि जब 2019 में एक अपग्रेडेड मिराज 2000 अपने टेस्ट फ्लाइट के दौरान था, तभी ये हादसे का शिकार होता है, जिसके बाद अपग्रेड पे प्रश्न उठते हैं और एक इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट किया जाता है और ये माना जाता है कि एक मेजर रोड ब्लॉक था मिराज 2000 अपग्रेड प्रोग्राम में।
उसके बाद हम सब जानते हैं कि COVID-19 पैंडमिक आता है, जिसके बाद पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है ये प्रभावित होती है, और इससे डिफेंस सेक्टर भी अछूता नहीं था। ये सेक्टर भी बुरी तरीके से इससे प्रभावित था, और इसके चलते भी भारत का ये जो अपग्रेड प्रोग्राम है ये डिले हुआ। अब यहाँ पर अगला जो इशू था वो था इंटीग्रेशन इशू। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने जो कुछ स्पेसिफिक सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन की बात की गई थी, जो कि फाइनल ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन में होने वाले थे, लेकिन इनके इंटीग्रेशन में कुछ समस्याएं आई थी जिसकी वजह से ये प्रोग्राम और भी ज़्यादा डिले हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 90% से ज़्यादा मिराज 2000 की जो फ्लीट है ये अपग्रेड कर दी गई है, और 2024 में भारतीय वायुसेना इनको पूरी तरीके से अपग्रेड कर लेगी, और 2035 तक ये निरंतर ऑपरेशनल रहने वाले हैं। हालांकि सिर्फ ग्रीस ही नहीं, भारत की भारतीय वायुसेना जो दूसरे मिराज ऑपरेटर हैं इनके साथ भी संपर्क में है। प्रयास यहाँ पर ये किया जा रहा है कि जो मिराज 2000 जो रिटायर्ड एयरक्राफ्ट है इनको लिया जाए, ताकि स्पेयर्स की जो समस्या है इसको दूर कर लिया जाए। हालांकि बीच में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर फ्रांस से गुड न्यूज़ आई थी कि फ्रांस अपने जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं इनकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने वाला है, और ऐसे में जो ग्लोबल ऑपरेटर हैं इनके लिए एक राहत की खबर हो सकती है। जी हाँ, फ्रांस की वायुसेना की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी कि जो मिराज 2000 डी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये इनकी सर्विस लाइफ को इन्हेंस करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, और जाहिर सी बात है इसके लिए जो सप्लाई है पार्ट्स की ये फिर से शुरू की जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत दूसरे जो मिराज ऑपरेटर हैं जो मिराज को काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि उन्हें स्पेयर पार्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये काम कब से शुरू होगा और जो मिराज 2000 ऑपरेटर हैं इनको कब से ये चीज़ें मिलेंगी। हालांकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट और भी सामने आई थी कि भारत एक तरफ दुनिया के तमाम देश जहां मिराज 2000 को रिटायर करने वाले हैं, तो वहीं भारत जो है इनकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने का प्रयास कर रहा है। और आप सबको पता होगा कि 14 फरवरी को एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर ये कहा गया था कि इस समय इंडियन एयरफोर्स ऐसे रास्तों को तलाश कर रही है जिसके अंतर्गत मिराज 2000 फाइटर्स की जो एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है या बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके, और इसके अंतर्गत अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन का जो प्रपोजल है ये सामने रखा गया है। इस समय मिराज 2000 में जो मेन BVR मिसाइल है वो है मीका IR या RF, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर की है, और अस्त्र के आने के बाद अगर इंटीग्रेट हो जाती है तो ये रेंज 110 किलोमीटर तक हो जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये इंटीग्रेशन जितना आसान लगता है उतना होगा नहीं, क्योंकि अस्त्र को इंटीग्रेट करने के लिए एक एक चीज़ें काफ़ी केयरफुली हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इसका सीधा प्रभाव एयरक्राफ्ट की सेफ्टी पर पड़ सकता है, और ये चीज़ें कहीं से भी सही नहीं होंगी। हालांकि जो डसाल्ट एविएशन है ये मीका NG को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और उनका कहना है कि जो मिराज 2000 है इसमें ये मिसाइल सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होगी, और हाल ही में मीका NG को प्रदर्शित भी किया गया था। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।